हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और जो पीरियोडिक टेस्ट जो इस बार होने वाले हैं आपके 22-23 इस सेशन के रिगार्डिंग, तो इस सेशन के रिगार्डिंग आपके लिए हम ये आज सैंपल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें चार सेक्शन है, ए बी सी एंड डी। हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपके साइंस एंड मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, ये कर लो पहले, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए है, और सेक्शन ए में आपके MCQs है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -24/36 इज। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए 24 लिखा आपने और नीचे 36 लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर वाला तो क्या होता है आपका, ये तो होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। अभी देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप यहाँ से या तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर डिवाइड डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जिससे भी आपका आंसर बैठ जाए उस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। देखिए पहला वाला ऑप्शन है ए 24/36, ये तो सेम टू सेम है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद 24/18, ये तो होगा नहीं क्योंकि देखो ऊपर नीचे मतलब सेम संख्या से डिवाइड करना है ना अब, या फिर मल्टीप्लाई करना है। अब इसको तो मैंने ऊपर का एजिटी छोड़ दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद सी और डी, इन दोनों में से चेक करना है। तो देखिए नेगेटिव आ रहा है ना यहाँ पर, यहाँ पर तो नेगेटिव है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। नेगेटिव तो आना चाहिए हमारे साइन में, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। आप बिना करे भी इसको कर देंगे, ठीक है। बिना देखो मैंने इसको बिना करे भी सी इसका ऑप्शन लगा दिया। देखो अब कैसे करते हैं, माइनस तो मैंने लगा दिया इसका, ठीक है। अब 24 और यहाँ पे 36, अब देखो डिवाइड करेंगे इसको 4 से ऊपर और डिवाइड करेंगे या 4 से नीचे। देखो 4 6 जा 24 और 4 9 जा 36, 6/9 अगर नेगेटिव यहाँ पर एजिटी जा जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस का 6/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2 इज, -2 इज, ठीक है। देखिए -1 या -1 है और यहाँ पर -2 है, तो इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने की, रेशनल नंबर कितने होंगे, ठीक है। अब देखिए 1/5, देखो सभी के नीचे 5 5 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसको ऊपर नीचे 5 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। ये मैंने 5 से ऊपर नीचे इंटू कर लिया, इसको भी मैंने क्या करा 5 से ऊपर नीचे इंटू कर लिया। अब ये क्या बन जाएगा, -5/5 और ये क्या बन जाएगा, -10/5। अब इसके बीच में कितने आएंगे, -6/5 और -7/5, -8/5 और -9/5 और ऐसे -10/5, इस तरह से चलेंगे नंबर। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कितने हैं और इसमें से ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। देखिए 1/5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव नंबर है और ये सारे नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बी वाला, ये -5, ठीक है, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1/5 है, इनके बीच में नहीं आ रहा वो, ठीक है। और ये सी वाला देखो -4/5, -4/5 इनमें नहीं आ रहा बीच में, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब डी वाला देखो -7/5, देखो ये रहा एकदम बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है -7/5, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस, देखो इसमें बेस दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी 6 सेंटीमीटर, और एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो हाफ लगाएंगे, बेस की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, 12 रख दीजिएगा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 दे रखी है। अब 2 6 जा 6 6 जा 36, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फोर्थ, तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायामीटर 14 सेंटीमीटर, देखो आपको डायामीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ओके। तो मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, रेडियस क्या होती है डायामीटर का हाफ, यानी कि डायामीटर 14 और ये 2 लगा देंगे नीचे, 14/2, तो ये 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, ठीक है। अब हमको इसकी सर्कमफेरेंस निकालनी है। अब आप जानते हो सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr, ये होती है। अब लिखेंगे 2π की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और r की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे 7। अब 7 से 7 कैंसिल, 22 जो कितने होते हैं 44 और ये सेंटीमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक टर्म। ठीक है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर भी x आना चाहिए, ठीक है, मतलब सेम सेम आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे नंबरों को नहीं देखेंगे, सिर्फ वेरिएबल को देखेंगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में। जैसे पहला वाला ऑप्शन देखा मैंने, माइनस देखो x है यहाँ पर और यहाँ पर y है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर तो दो बार एक्स है और यहाँ पर एक बार एक्स है, यहाँ पर एक बार वाई है, यहाँ पर दो बार वाई है, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब अगर यहाँ पर दो बार एक्स होता, यहाँ पर दो बार एक्स होता, यहाँ पर दो बार वाई होता, यहाँ पर दो बार वाई होता, तब ये लाइक टर्म हो जाती, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाली तो है ही नहीं, बिल्कुल दिख रहा है, देखने से पता लग रहा है यहाँ पर कुछ है ही नहीं और यहाँ पर एक्स है। अब डी वाला ही करेक्ट होगा, इसका देखो चेक कर लेते हैं, एक्स एक बार है और यहाँ पर भी एक्स एक बार है, वाई एक बार है, यहाँ पर भी वाई एक बार है, यानी कि दोनों एक दो दो बार, यहाँ पर एक एक बार आ रहे हैं, यहाँ पर भी एक एक बार आ रहा है भाई, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा लाइक टर्म वाला डी हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायनोमियल। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक तो होती है मोनोमियल, ठीक है, एक होती है बायनोमियल, बायनोमियल, ठीक है, एक होती है ट्राइनोमियल। ठीक है, बस ये तीन आप याद रखिएगा। ठीक है, बायनोमियल जिसमें एक टर्म आती है, ठीक है, ये मोनोमियल में वन टर्म, बायनोमियल जिसमें दो टर्म आती है, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म आती है। ठीक है, अब जैसे बायनोमियल है तो इसमें दो टर्म आनी चाहिए, इसमें तो एक ही टर्म है, ये नहीं होगा। इसके बाद इसमें तीन टर्म है, ये ट्राइनोमियल है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद इसमें देखो ये एक टर्म और ये दो टर्म, दो टर्म आ रही है, देखो प्लस और माइनस से ही टर्म अलग अलग होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर माइनस है तो यानी कि एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, यानी कि दो टर्म आ रही है, इसका मतलब यही बायनोमियल होगा। और ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, इसमें तीन टर्म आ रही है, इसका मतलब ट्राइनोमियल, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम सेक्शन बी को करते हैं। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो आपको एरिया दे रखा है पैरेललोग्राम का, और वो क्या दे रखा है आपको, 154.5 ये दे रखा है। इफ इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द कोरस्पोंडिंग हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है ना, एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू कोरस्पोंडिंग हाइट, एच लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, कोरस्पोंडिंग हाइट यही होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, अब देखो हमें एरिया की वैल्यू यहाँ से दे रखी है, ये लिख दो 154.5, और यहाँ पे बेस कितना दे रखा है आपको, 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 रख दीजिए। ठीक है, और ये इनटू एच, अब एच निकल जाएगा यहाँ से, एच बराबर क्या आएगा, 155.5 अपॉन 15, इस तरह से। अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम, तो h बराबर क्या आएगा, 15 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 वन जो 15, देखो 15 वन जो 15, फिर 0 और 15 3 जो 45। ठीक है, और ये नीचे 10 है, तो ये क्या आ जाएगा, h बराबर एक पॉइंट के बाद लगा दीजिए, ठीक है, 10.3, और ये सब सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, यह इसका आंसर होगा हाइट। ठीक है, ये आंसर कर देना आप। अब एट्थ क्वेश्चन करते हैं, तो एट्थ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखिए एट्थ क्वेश्चन में फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस 14 सेंटीमीटर। देखिए देखिए सबसे पहले हम इसका सर्कमफेरेंस निकालते हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr सर्कल का, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू क्या है इसमें, r की वैल्यू 14, देखो डायरेक्ट r की वैल्यू दे रखी है। अगर डायमीटर देते हैं यहाँ तो आधा करते हैं उसको, ठीक है, तो यहाँ पे 14 रख दो, तो 7 2 जो 14, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 88, ये है ना 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पे यूनिट मीटर देता तो यहाँ पे मीटर लिखता है। ठीक है, अब इसका सर्कमफेरेंस तो निकल गया, एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रख देना, और यहाँ पे लैंग्वेज लिख देना एरिया ऑफ, ऐसे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ये। ठीक है, और ये आर की वैल्यू क्या है इसमें, आर की वैल्यू 14 और इंटू 14, इस तरह से। अब 7 2 जो 14, ठीक है, 14 2 जो 20, ये क्या हो जाएगा, 28 into 22, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, 6 1 और ये 5 और यहाँ 6 और यहाँ पे आपका 5, ठीक है, तो 6
और 1 और 6, 616 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब देखिए हम आगे करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। देखो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है 2p स्क्वायर माइनस 3p और प्लस 5, ठीक है, और p की वैल्यू इसमें क्या पुट करनी है आपको, 2, ठीक है, तो p की वैल्यू पुट कर दो 2। अब यहाँ p की जगह 2 और इसका होल स्क्वायर माइनस 3, p की जगह 2 और प्लस 5, तो अब इसको सॉल्व कर लो 2 और ये 2 जो 4 इंटू लगा दो 4 माइनस 3, ब्रैकेट खोलोगे तो इंटू लगा दो 3 इंटू 2 और प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जो 8 माइनस 3 2 जो 6 और प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 5, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है जो आपको बोला गया है, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एक्स वाई। देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर एक्स वाई यानी कि एक नंबर एक्स है एक नंबर वाई है, ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। अब प्रोडक्ट में वन, इसका प्रोडक्ट का 1/4, तो 1/4 इसका 1/4 ऐसे होता है, इस प्रोडक्ट का 1/4, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है, पहला, ठीक है। उसके बाद ओ ये बी वाला दे रखा है, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एम एन। तो सबसे पहले देखो प्रोडक्ट करना है आपको, देखो दो नंबर दे रखे इस बार एम और एक एन, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो पहले तो एम एन, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का 3 टाइम करना है, कितना करना है 3 टाइम, तो इस प्रोडक्ट का 3 टाइम कर दिया मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम मतलब मल्टीप्लाई, 3mn हो गया। अब उसमें 5 एडेड करना है तो 3mn प्लस 5, तो इसका ये एलजेब्रिक वो होगा एक्सप्रेशन, ठीक है, और इसका ये वाला होगा, तो इस तरह से इसके ये आंसर हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है -8/19 इस तरह से, और यहाँ पर ये देखो ये ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये माइनस प्लस माइनस कर देगा इसको, ठीक है, तो ये माइनस का 2/57 इस तरह से। अब देखो ये 19 है 57 और 19 ऑलरेडी 57 की मतलब 19 की टेबल में 57 आता है, 19 3 जा, ठीक है, अब देखो 57 ही एलसीएम आ गया इसका, 19 3 जा 57, तो अब ये इसको क्या ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ ये क्या बन जाएगा 57 और ये भी 57 है और ऊपर क्या बन गया माइनस का 24, ठीक है, अब माइनस लगा दो यहाँ का माइनस ही, यहाँ पे 57 है और यहाँ पे 57 है, अब इसको बनाना नहीं पड़ेगा कुछ भी ऊपर नीचे, ऊपर की वैल्यू एज इट इज रख दो माइनस 2, ठीक है, अभी क्या हो जाएगा माइनस 24 और माइनस 2, ये आ जाएगा आपका माइनस 26 और नीचे 57, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है, अब हम सेक्शन सी को करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें फाइंड, देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है और इसको हमें सोल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व करते हैं हम, देखिए माइनस 2 और ये 1/3, ठीक है, इसको और यहाँ पर प्लस का 4 इसकी ओवर 3/5, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है, अब इसको पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7/3 ये माइनस में और प्लस ये क्या जाएगा 5 4 जा 20, 20 और 23/5 इस तरह से, अब यहाँ पे 15 एलसीएम आ जाएगा इसका, अब इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 15 बनाना है तो 5 5 से करूँगा मैं ऊपर नीचे, यहाँ से 5 से और इधर भी 5 से, तो देखिए 5 3 जो 15 बन गया, ऊपर क्या बन गया लेकिन अब 7 5 जा 35, तो -35, ठीक है, अब यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 15 है, इसको ऊपर नीचे किससे इंटू करो 3 3 से, ठीक है, तभी अब देखो नीचे तो 15 बन गया ये बन गया, अब ऊपर क्या बन गया लेकिन 3 3 जो 9 और 3 2 जो 6 69, ठीक है, अब इसको इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये प्लस का बड़ा है और ये माइनस का छोटा है तो प्लस में ही आएगा, तो 9 में से 5 गए तो कितना बचा 4, तो ये 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा, ठीक है, 34/15, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगर आपको इसको फ्रैक्शन ऐसे ही निकालना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर, तो ये आपका आ जाएगा 15 2 जा 30 और ये 2 और ये 4 बचेगा और 15, इस तरह से भी आप इसको लिख के आ सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका, 3/13 और यहाँ पर क्या है डिवाइडेड -12/65, तो देखिए ये ऐसे लिख रखा है ना आपका इस तरह से -12/65, ठीक है, अब जब भी देखो ये डिवाइड का निशान है ना, अगर मैं मल्टीप्लाई में बदल देता हूँ ना, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली ये रिवर्स हो जाती है,
ठीक है, जैसे मान देखो मैं दिखाता हूँ, 3/13 जब मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टी हो जाएगी, 65/12, और ये माइनस तो है ही साथ में इसमें, ठीक है इस तरह से। अब देखो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 13 × 13 13 × 5 = 65, ठीक है 3 × 3 3 × 4 = 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 ऊपर बचा है नीचे 4 है, तो माइनस ऑलरेडी इसमें -5/4, ये इसका आंसर होगा। ओके अब देखते 13th क्वेश्चन, ये 13th और ये 14th, ठीक है तो 13th क्वेश्चन देखते हैं। तो 13th क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, देखो आपको रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है उसके बाद सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, और एक सर्कल है मतलब इसको तो आप कैपिटल आर मान लो, ठीक है एक स्मॉल आर क्या दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, देखो आपको कुछ इस तरह से दे रखी है, एक सर्कुलर शीट है ठीक है, इस तरह से सर्कुलर शीट है ओके, और इसमें से जो है ना देखो ये तो पूरी कितनी है, ये तो आपकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, और एक जो सर्कुलर शीट है ना इसमें से जो देखो सर्कल ऑफ रेडियस, इसमें से बीच में से सर्कल एक रेडियस का 3 सेंटीमीटर का, कितने का इसमें 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल इसमें से रिमूव्ड कर दिया, तो अब ये पूछ रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, अब क्या बचेगा जब इसमें से पूरी शीट में से इतना पार्ट मैंने निकाल लिया, तो अब ये वाला पार्ट बचेगा इसका ओनली, ये वाला पार्ट बचेगा इसका, तो ये क्या होगा देखो एरिया निकालेंगे सबसे पहले इस वाले का, बड़े वाले सर्कल का, ठीक है बड़े वाले सर्कल का क्या होगा पाई और कैपिटल आर स्क्वायर इस तरह से, और सेकंड वाले का क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, देखो पहले वाले का ये सेकंड वाले का ये, अब क्या करोगे बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया हटा दो मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बचेगा, तो मैं क्या करूँगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इस तरह से करूँगा, अब इसमें से देखो पाई कॉमन ले सकते हैं ना, पाई दोनों में आ रहे हैं पाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर और ये स्मॉल आर स्क्वायर ओके। अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या रखनी है 3.14, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3.14 लेना है आपको, तो फिर 3.14 ही लेना है 3.14, और यहाँ पर आर स्क्वायर, ये देखो आर स्क्वायर है ना, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9 ऐसे, ठीक है तो 3.14 और ये इनटू किससे करेंगे 16 में 9 गए तो 7 बचेगा, ठीक है ये अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, तो ये 8 और ये 2 और ये 9 और ये पॉइंट और ये ठीक है इस तरह से, तो 21.98 और ये सेंटीमीटर में सब कुछ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया आपका रिमेनिंग वाला पार्ट बचेगा ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का, तो 14th क्वेश्चन है आपका, देखो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है और इसमें x की वैल्यू 2 ले लेंगे, तो अब क्या होगा देखो सबसे पहले मैं देखो इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है इसको पहले मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 8 8x, ठीक है और ये माइनस का 4 प्लस का 3x और प्लस का 11 इस तरह से। अब देखो ये 8x है ये 3x है, दोनों प्लस प्लस के ऐड हो जाएंगे 11x, ठीक है और ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 11 है, तो प्लस का 11 में से माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका कितना बचेगा 7, ठीक है तो मैं कह दूंगा प्लस का 7। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम, x की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पे, 11 x की जगह 2 और प्लस 7, तो 11 × 2 = 22 और प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 29, तो ये आपका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो PQRS एक आपको पैरेललोग्राम दे रखा है और QM, देखो ये जो QM है ना ये वाली, ये QM ये आपको हाइट दे रखी है Q to SR, ठीक है इस SR पर, और QN इज़ द हाइट, ये QN एक हाइट दे रखी है आपको, ठीक है SR आपको जो दे रखा है ना ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है और QM जो आपको दे रखा है QM ये वाला QM ये आपको दे रखा है 7.6 सेंटीमीटर, तो देखिए इस तरह से दे रखा है। सबसे पहले हमको निकालना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, अब देखो एरिया जो पैरेललोग्राम को होता है ना वो सिंपली क्या होता है बेस इनटू कोरस्पोंडिंग हाइट, ठीक है अभी देखो इसमें बेस भी दे रखा है 12 है, ठीक है 12 रख देंगे और इसकी कोरस्पोंडिंग हाइट भी दे रखी है देखो ऐसे, ठीक है 7.6, ठीक है तो अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, ये 12 6 = 72 2 और ये 7 कैरी
और 12 ये 7 या 84 और ये 7 91, तो 9 और पॉइंट लगा देंगे 91.2 और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका ये तो एरिया आ गया ए वाला पार्ट का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका बी वाला, तो बी वाले में क्या कह रहा है ये देखो, अगर क्यू एन इफ पी एस इक्वल्स टू 8, अगर पी एस है ना ये जो पी एस दे रखा है आपको, ये पी एस कितना हो जाए अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपको क्यू एन फाइंड आउट करना है, ये वाला क्यू एन, ये वाला फाइंड आउट करना है। देखो अब देखो क्या होता है इसमें, देखो चाहे तो आप यहाँ से एरिया निकालो इस तरफ से, इसको बेस मानो इसको हाइट मानो, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है, चाहे आप यहाँ से निकालो, बात तो एक ही है ना, एरिया तो सेम आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ जैसे एस आर इंटू ये क्यू एन, एस आर इंटू क्यू एम इक्वल्स टू क्या कर सकता हूँ, पी एस इंटू क्यू एन, इस तरह से कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ये वाली जो चीज़ है ये वाली भी एरिया देती है हमको इस पूरे पैरेललोग्राम का, और ये वाली चीज़ है ये वाला भी हमको पूरे पैरेललोग्राम का एरिया देता है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। अब देखो एस आर इंटू क्यू एम, एस आर इंटू क्यू एम ये हमारे ये आया था, लेकिन आप इसको ऐसे रख लीजिए चाहे तो ऐसे, चलो ऐसे ही रख लेते हैं 91.2, इस तरह से इक्वल्स टू पी एस की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है, और यहाँ पर इंटू में क्या है क्यू एन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा देखो 91.2 अपॉन 8 इक्वल्स टू क्यू एन, तो यहाँ से क्यू एन बराबर क्या आ गया 91 अपॉन 2। अब ये 91 अपॉन 2 है ना, इसको 8 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 8 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11, देखो 8 1 जाए 8, फिर 1 8 1 जाए 8, ठीक है, फिर पॉइंट लगेगा, ठीक है, फिर ये 8 4 जा 32, ठीक है, 11.4 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका क्यू एन, तो क्यू एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 11.4 ये और सार सेंटीमीटर, तो ये आपका क्यू एन आ जाएगा, और ये डिस्टेंस है, स्क्वायर मत लगा देना भूल के, स्क्वायर तब लगता है जब एरिया निकालते हैं, जब आपको लेंथ निकालनी हो जैसे हाइट वाइट की लेंथ निकालनी हो तो सेंटीमीटर ओनली, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे, एक तो क्यू एन ये आ गया और ये पहले वाले का पार्ट का आंसर ये होगा 91.2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम, ठीक है, मान लीजिए अमित है, अमित जो इसका घर है ना, ठीक है, अमित का जो घर है, ठीक है, अमित के घर से ये मतलब है ना, हिज होम से रमित हाउस, ये रमित का हाउस लगा लो, ठीक है, रमित का हाउस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2/3 किलोमीटर, इस तरह से, और रमित हाउस, देन फ्रॉम रमित हाउस दे वॉक्ड टुगेदर 5/12 किलोमीटर टू स्कूल, और जो इनकी स्कूल है, ठीक है, ये इसकी स्कूल है, तो ये इसकी स्कूल कितनी दूर है 5/12 किलोमीटर। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अमित टू गो टू स्कूल, मतलब अमित तो यहाँ पर रहता है और ये स्कूल तक जाएगा, तो स्कूल तक पहुँचने में इसको मतलब कितनी डिस्टेंस लगेगी 2/3 + 5/12, इस तरह से। अब इनको एलसीएम ले लो, ये 12 आ जाएगा, अब ये 3 4 4 2 जाए 8, ये तो 4 4 से ऊपर नीचे कर देना, और ये 12 का 12, तो 5 लिख लेना, तो ये कितना आ जाएगा 8 और 5 = 13/12, तो 13/12 ये आ जाएगा इसका आंसर। मिक्सड फ्रैक्शन में निकाल दो, मिक्सड फ्रैक्शन में निकाल दो, 12 1 जो 12, अब 1 बचेगा तो 1/12, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो और किलोमीटर में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्या है, कंपेयर 2/3 and 5/12, तो इनको इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, तो ठीक है हम इनको कंपेयर करते हैं, आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो हम देखें 2/3 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5/12, ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 5/12 है, अब नीचे क्या है, यहाँ पे 12, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो 12 ही आता है, अगर मेरे को इस 3 को 12 बनाना है तो मैं 4 से इंटू करूँगा इसको ऊपर नीचे, देखो जो भी आप इसको 12 बनाओगे ना, अगर जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा 4 2 जाए 8
और 4 3 12, ये तो सेम आ गया 8 अपॉन 12, और ये भी क्या है 5 अपॉन 12, इसको तो 1 1 से मल्टीप्लाई कर देना, सेम टू सेम यही बन जाएगा 5 अपॉन 12। अब देखो दोनों में क्या हो रहा है, 8 अपॉन 12 मैंने करा और यहाँ पे 5 अपॉन 12, नीचे तो ये डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब इनका ये चेक कर लो न्यूमरेटर, ये इसका 8 बड़ा है, यानी कि 2/3 आपका बड़ा होगा और 5 अपॉन 12 आपका छोटा होगा, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि देखो इस वाले नंबर को जब हमने करा ना तो 8 बड़ी संख्या आ रही है, जिसकी जिसका मतलब क्या है 5 से तो बड़ा ही है ना, जिसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि 2/3 वैल्यू बड़ी होगी और 5 अपॉन 12 छोटा होगा, इस तरह से, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर हैज़ 2 सन्स रामू एंड श्यामू। देखो एक फार्मर के 2 सन थे रामू एंड श्यामू, ठीक है। ही गेव अ पीस ऑफ लैंड टू रामूस इन द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28। देखो इसको जो फील्ड मिला ना रामू को, वो शेप ऑफ द सर्कल में मिला, ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है आर 28 मीटर, इस तरह से। अनदर पीस ऑफ लैंड इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 42 मीटर, इसको भी मिला शामू को 42 सेंटीमीटर का, सर्कल तो नहीं मिला लेकिन सेमी सर्कल मिला है, ठीक है, सेमी सर्कल मिला है। अब इसमें से हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ए वाला पार्ट, फाइंड एरिया ऑफ हूज लैंड इज मोर एंड बाय हाउ मच। तो इन दोनों का एरिया पहले निकालेंगे हम, तो एरिया निकालते हैं हम इन दोनों का। तो देखिए सबसे पहले रामू का एरिया निकालेंगे, तो देखो पूरा का पूरा सर्कल है तो यहाँ लिख देंगे रामू के लिए, ठीक है, तो रामू का पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, पूरा का पूरा सर्कल है ना, तो पाई की वैल्यू 22/7 ले लेना यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 3.14 तो दे ही नहीं रहेगा, तो 22/7 ले लेना। आर की वैल्यू 28 × 28, इस तरह से। अब ये 7 4 = 28, अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये 88 हो जाएगा ये, है ना, और ये 28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अब 8 8 64 4 6 64 64 और 6 70, ठीक है, और ये 16 1 और ये 17, ठीक है, तो इनको ऐड कर लेंगे 4 और ये 6 और 7 7 14 4 और 1 2, तो ये 2 4 6 4, ये आपका मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद रामू का तो निकल गया, अब शामू का एरिया निकालना हमें, तो शामू का एरिया क्या होगा, देखो हाफ सर्कल है ना, तो पहले तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अब हाफ है तो इसको हाफ से इंटू कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और ये इंटू आर की वैल्यू कितनी है 42, देखो ये 42 × 42, अब 7 6 = 42, 2 3 = 6, अब 22 × 3 कर लेंगे 66 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 42, ठीक है, यहाँ पे कितना है 42, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 2 = 12 2 1 और 6 4 = 24 और ये 25 ऐसे, और यहाँ पे 2 और ये 5 और ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 7 और 5 2 7 और ये 2, तो इतना मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब देखो दोनों का एरिया निकाल दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द हूज लैंड, ठीक है, इज, अब देखो दोनों में से मोर किसका है, ज़्यादा ज़्यादा किसका है इसका एरिया, इसमें से ज़्यादा एरिया किसका है इसका शामू का, तो हम लिख देंगे शामू का एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके बाद बाय हाउ मच कितना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 2, ये देखो 2 7 7 2 जो इसका एरिया है, और इसका एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 4 6 4, ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है, और यहाँ पे 6 0, ठीक है, और ये कितना बचेगा 6 और ये कितना आ जाएगा आपका 7 4 3, तो 3 0 8 ये मीटर, ठीक है, तो 3 0 8 मीटर इतना ज़्यादा है शामू का एरिया रामू से। अब देखिए इसका पार्ट भी क्या है, दे वांट टू फेंस दियर लैंड हु नीड्स मोर वायर टू फेंस एंड बाय हाउ मच। देखिए अभी रामू का हमने एरिया निकाला था और शामू का एरिया निकाला था, ठीक है, अब देखो रामू क्या कर रहा है, रामू अपनी ये सर्कल है ना, सर्कल पर ये फेंस लगा रहा है, ठीक है, ऐसे बाउंड्री पर, ठीक है, तो अब मैं क्या फाइंड आउट करना चाहूँगा, इसका सर्कमफेरेंस ही फाइंड आउट करना पड़ेगा ना मुझको, क्योंकि बाउंड्री बाउंड्री में लगा रहा है वो, तो इसका मतलब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है 2πr, ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू क्या है इसमें रामू में, ठीक है, 28, इस तरह से। अब 7 4 = 4, ठीक है, और 4 2 = 8 और ये 22, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 176
मीटर, ये तो इसका आ गया रामू का। शामू का क्या आएगा? देखो शामू का देखो हाफ सर्कल है, देखो गोर्स यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो हाफ सर्कल हो गया और इसके बाद ये इसका क्या हो गया ऐसे, ये हाफ सर्कल है ठीक है। अभी ये देखो हाफ सर्कल जब देखो इसका पूरे का क्या है 2πr, तो इस आधे का क्या होगा πr, πr तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा ठीक है। लेकिन इसका एक्स्ट्रा ये भी तो पार्ट है ना, ये कितना हो जाएगा, ये r होता है और ये r यानी कि 2r, यानी कि टोटल कितना होगा इसका सरकमफेरेंस, फेंसिंग जो लगेगी ना इसकी πr प्लस 2r इस तरह से। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू इसमें 42 है प्लस 2 और यहाँ पे 42, क्योंकि 42 इसकी रेडियस दे रखी है। अब 7 6 42, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है, तो 132 है और प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 84 ठीक है। अब इनको ऐड कर लेंगे 4 2 6 8 3 11 1 2 216 इतना मीटर, इसको इतना फैंस करना पड़ेगा। अब इन दोनों में से ज़्यादा किसका है, किसको ज़्यादा फैंस करना पड़ेगा, तो इसमें भी क्या आ रहा है शामू, शामू का करना पड़ेगा फैंस ज़्यादा ठीक है। अब फैंस ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन कितना ज़्यादा, तो हम करेंगे 216 इसका वाला फैंस और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे रामू के में से 176 ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये आपका क्या हो जाएगा 3 और 4 ठीक है। तो ये 40 आपका मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा 40 मीटर, इसको ज़्यादा फैंस करना पड़ेगा। अब देखते हैं इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। पिंकू एंड चिंकू वर प्लेइंग द पजल गेम, दे अज्यूम दैट पिंकूज एज इज एक्स ईयर ठीक है। देखो पिंकू है ना, पिंकू और चिंकू दो हैं, दो ये दो बच्चे समझ लो आप, दो दो बच्चे हैं और ये दो बच्चे, देखो पिंकू की एज तो है एक्स ईयर ठीक है और चिंकू की एज है वाई ईयर ठीक है। जैसा हमको क्वेश्चन में दे रखा वैसा हमने लिख लिया ठीक है। दे फाइंड दैट दियर फादर्स एज इज, अब ये अपने फादर्स की एज मतलब करते हैं ऐसे, इज 4 ईयर्स मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस है ना, और दियर मदर्स एज इज 5 मोर देन ट्वाइस द सम ऑफ दियर एज ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट के बोले फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फादर्स एज और बी वाला फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मदर्स एज। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये जो बता रहा है ना फादर्स एज इज, तो फादर्स एज हम ऐसे लिखेंगे फादर्स एज। अब देखो इज का मतलब जो होता है ना वो इक्वल लगा दिया, 4 ईयर्स फोर लिख दो, ईयर्स मोर का मतलब होता है प्लस ठीक है, ऐसा कर दिया, इतना डिकोड कर लिया हमने इन लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को ठीक है। अब देन प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस मतलब दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, तो यानी कि एक्स वाई इस तरह से होगा प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ गया फादर्स एज का इस तरह से आएगा ठीक है हो गया। अब देखो मदर्स एज, तो हम लिखेंगे मदर्स एज ठीक है, एज लिख दिया, इज का मतलब होता है इक्वल। अब फाइव लिख दो, मोर का मतलब प्लस ठीक है, ट्वाइस द सम ऑफ दियर एजेस, पहले तो सम करेंगे हम इन दोनों के एजेस का एक्स प्लस वाई और इन दोनों के सम का ट्वाइस मतलब इन दोनों के ऐसे ठीक है। तो मतलब क्या करेंगे देन द ट्वाइस द सम ऑफ दियर एजेस, मतलब सम करेंगे पहले तो इन दोनों का सम करेंगे और उसका ट्वाइस, तो इस तरह से इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा मदर्स एज का ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है इस पेपर का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सैंपल पेपर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, जिससे आपको इसी तरह की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी ठीक है। तो फिर मैं भी चलता हूँ, तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।